हेलो। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज बहुत ही मजेदार टॉपिक करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें भी मैंने छुड़वाया था। और वहां कर इनफैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट में हमने करा था, लेकिन काफी बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ी कसर रह गई है। आज उस कसर को मैं पूरी करूंगा। कसर का मतलब है कि उस डाउट को पूरी करूंगा कि क्या दिक्कत थी, क्योंकि अब हम पार्टनर्स कैपिटल में वी नो कि पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल कितने तरीके का होता है आप बताइए फटाफट से। दो तरीके का होता है, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएशन कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कितने टाइप का होता है? दो, एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल और एक होता है हमारा फ्लक्चुएशन कैपिटल। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं हमने प्रैक्टिकल, वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशन कैपिटल है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? बदलाव, बदलना, बदलना। ठीक है, फिक्स का मतलब होता है कि जो बदलता नहीं है। जब क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोला जाए तो हमें पता है कितने अकाउंट बना लेने चाहिए। अरे बोलिए ना, आपको क्या पता है कितने अकाउंट बना लेना चाहिए? आपको दो अकाउंट बना लेना चाहिए। अच्छा सर, दो अकाउंट कौन कौन सा बनाना चाहिए? एक बन जाना चाहिए हमारा पार्टनर्स कैपिटल, एक बन जाना चाहिए फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल सर, फिक्स कैपिटल के अंदर फिक्स कैपिटल कैसे आया और हमें कैसे पता चले कि हमारा पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स या फ्लक्चुएट है? दो बातें हैं। नंबर वन, क्वेश्चन जो है वो बोलेगा के पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। क्वेश्चन बोलेगा पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स। नंबर दो, आपको बैलेंस शीट के अंदर जैसे मान लिया जाए ए का कैपिटल है, सेम आपको बी ए का करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिखेगा। करंट अकाउंट का किसका बैलेंस दिखने वाला है? हमारा करंट अकाउंट। और ये करंट अकाउंट जो डिनोट करता है वो करता है हमारा पार्टनर कैपिटल को। अभी समझेंगे ना इसको, क्यों चिंता करते हो आप? समझेंगे? कुछ बच्चे अभी से डाउट पूछने लग गए, सर मैंने थोड़ी सी क्लास देखी थी पहले, कुछ ये रह गया था वो रह गया था। मैं मानता हूं कि आपके बड़े सारी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या करें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो करना पड़ेगा, है ना? मार्कर लेने गया था बच्चे में, मार्कर लेने। ठीक है, तो तीसरी कौन सी बातें हैं? क्या तीसरा भी कोई हिंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर बैलेंस शीट में ही आपको इस साइड में ड्राइंग मिल जाए, किधर? एसेट साइड में ड्राइंग, इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स कैपिटल क्या है? फिक्स। तो पार्टनर्स कैपिटल फिक्स और फ्लेक्चुएट, सारे पार्टनर फ्लेक्चुएट होते हैं तीन सिम्टम्स को छोड़ के। तीन अगर हमें दिखता है, नंबर वन जब क्वेश्चन बोलता है हमें, नंबर टू जब हमारा ए का करंट अकाउंट अलग से किसमें दे दे, बताइए किसमें दे दे? बैलेंस शीट में। नंबर थ्री जब पार्टनर्स का क्या दे रखा हो? ड्रॉइंग बैलेंस शीट के एसेट साइड, तब हम मान लेते हैं कि हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्या है? फिक्स। और ये वाला बोलेगा तो मानना नहीं है, ये जब बोले तो नोट लिख सकते हो कि वी अज्यूम दैट पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, और इस सिचुएशन में भी लिख सकते हो। अच्छा सर, आप पार्टनर्स कैपिटल फिक्स फ्लक्चुएशन तो बहुत देर से बता रहे हो, लेकिन ये है कौन सी टेंशन, ये तो बताओ। बच्चे टेंशन नहीं है, यही तो आपका जो है सबसे सिंपल टॉपिक है, इसलिए मैं लेट करा रहा हूं।
सबसे सिंपल, सुपर डुपर सिंपल। चलिए, फिक्स कैपिटल में क्या होता है और फ्लक्चुएशन। अब मुझे आप बताइए, जैसे राम ने, सिंपल सा जवाब देना, देखो ध्यान देना है यहां पे बस, रोहित ध्यान देना है आपको, ठीक है? देखो अब, जैसे ये मैंने एक ईयर बनाया, ओहो लाइन सीधी नहीं जा रही, 2010 और ये 2011, ठीक है? 2010 में मैंने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, 2010 में मैंने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, 2011 में मेरा कैपिटल 10 लाख का है, 2012 में मेरा कैपिटल 10 लाख का, ओ सॉरी, हाँ ठीक है 12, 2013 में मेरा कैपिटल 10 लाख रुपए का है। आप बोलोगे सर ये कैपिटल है कि क्या है, ये बदल ही नहीं रहा, यहां पे भी 10 लाख, 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 क्या हमेशा कैपिटल एक ही रहता है? ये तो एकदम फिक्स हो गया है, फेविकोल की तरह चिपक गया है 10 लाख रुपए, ये हर साल देखो 10 लाख 10 लाख 10 लाख ही आ रहा है। तो मेरा जवाब है, इसी के लिए तो अभी आपने बोला ना कि ये तो फिक्स हो गया है, ये तो फिक्स हो गया है, ये कैपिटल तो हिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फिक्स कैपिटल। क्वेश्चन ये नहीं है बेटे कि फिक्स कैपिटल क्या है, सॉरी क्वेश्चन ये है कि ऐसा है क्यों ये फिक्स, ऐसा कौन से कारण है, ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये फिक्स है, क्वेश्चन ये है। अब आप क्या क्या क्वेश्चन सोच सकते हो कि ये फिक्स होगा? आप सोच रहे हो सर अगर इसका मतलब कंपनी ने 4 साल तक कोई मुनाफा ही नहीं कमाया, तभी तो 10 का 10 का 10 रह गया, इसका मतलब कंपनी ने 4 साल तक कोई नुकसान भी नहीं किया, तभी तो 10 के 10 के 10 रह गया, इसका मतलब 4 साल तक कोई रिवेल्यूएशन नहीं हुआ, तभी तो ये रह गया है। वेरी सिंपल, हम इस कैपिटल में, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, उस कैपिटल अकाउंट में हम कुछ चीजों को घुसने नहीं दे रहे, कुछ चीजों को इससे दूर रखा जा रहा है, इसलिए ये फिक्स है। मतलब इसके अंदर ना ही ऐड किया जा रहा है ना ही माइनस किया जा रहा है कुछ चीजों को, इसलिए ये फिक्स है। क्या क्या सर ऐसा है? नंबर 1, नंबर 1 गुडविल का पैसा, जो पार्टनर लाया है, पहले कहां लिखते थे गुडविल का पैसा, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। नंबर 2 रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस, नंबर 3 गुडविल का रिटर्न ऑफ होना, नंबर 4 और क्या हो सकता है सर, और क्या हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बहुत सारे रीजंस हैं, उसको हम इससे मिलने नहीं दे रहे। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन को इसमें एडलेस किया जाए तो क्या 10 लाख का 10 लाख रहेगा अगले साल, ये बात सोचिए आप। तो आपका जवाब आएगा नहीं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर इन सारी इंफॉर्मेशन को एडलेस करोगे तो बढ़ेगा या घटेगा, कुछ तो होगा, और जिससे ये कैपिटल अगले साल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं कुछ चीजों को अपने कैपिटल में ऐड नहीं कर रहा और हमारा कैपिटल फिक्स रहेगा। अब फिक्स कैपिटल क्यों रखा जाता है, फिक्स कैपिटल इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हर एक पार्टनर का हमेशा कैपिटल पता चले कि कितना है, बस यही रीजन रहता है, और ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है फिक्स रखने का। हमेशा पार्टनर्स की अपने अपनी रुचि है, अपनी एग्रीमेंट है, अपने रूल्स हैं कि कोई बात नहीं यार कैपिटल कितना है, और फिक्स कुछ पार्टनर बोलते हैं रखना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। क्या आपको समझ में आया कि ये 10 10 10 लाख क्यों था? क्योंकि इसके अंदर इन चीजों को जोड़ा घटाया नहीं गया था, इसलिए था। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल इसे मैंने मिटा दिया सर, अब मुझे करके दिखाओ फॉर्मेट, ठीक है बच्चे फॉर्मेट देखो। पहले मैं करंट अकाउंट का बनाता हूं, ये लो ये लो,
तो तीन पार्टनर लिया है। चलो आज जगह की कमी नहीं है वैसे, आज छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अरे बड़े आसान कॉन्सेप्ट हैं। पर्टिकुलर और पर्टिकुलर, क्या समझ पा रहे हैं आप ये? जी सर, ओहो, कमी पड़ गई बेटे, जगह की कमी पड़ गई। ओ माय गॉड, OMG, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मूवी का नाम क्यों ले रहे हो? ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, ये अलग है। अब बैलेंस शीट होगा आपके पास, बैलेंस शीट में दो चीजों के बैलेंस होंगे, पार्टनर्स कैपिटल के और पार्टनर्स करंट के। तो यहां पे फिक्स है और मैं इसे थोड़ा सा, मैंने जल्दबाजी में मिस्टेक कर दिया, इसको पार्टनर्स करंट लिखना होता है। समझ रहे हो बच्चे, इसे पार्टनर्स करंट लिखना होता है, वो मैंने जल्दबाजी में कैपिटल बोल दिया, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है। तो जब पार्टनर्स फिक्स रहेगा तो क्या बनेगा, एक फिक्स कैपिटल नहीं, नॉर्मल कैपिटल बोल लो इसको। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, अब समझाना चाहता हूं ना आपको मैं, और एक बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर का बैलेंस समान नहीं रहता, जिसके अंदर का बैलेंस बदलता रहता है। इसका बैलेंस एक अलग होगा, इसका बैलेंस एक अलग होगा। सर कैसे? जैसे मान लो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, मैंने ए का कैपिटल लिखा 5 लाख और ए का करंट लिखा 2 लाख। तो ए का जो कैपिटल है उसे इधर लिखेंगे बैलेंस बीडी, और ए का जो करंट है 2 लाख उसे इधर लिखेंगे बाय बैलेंस। समझे बेटे आप? बोलो ना, समझे या नहीं समझे? अरे बोलते क्यों नहीं, समझे या नहीं समझे? सर समझ गए। तो दोनों का बैलेंस अलग अलग है हमारा। अब इसका बैलेंस हमने डाल दिया कैपिटल में, इसके बाद क्या क्या हो सकता है? नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो इसमें आएगा बाय कैश, न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया बाय कैश। इसके बाद न्यू पार्टनर प्रीमियम लेके आया तो यहां पे नहीं आएगा प्रीमियम, यहां पे बाय प्रीमियम। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट लेंगे। उसके बाद मान लेते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ जाता था बताओ? सीधा पार्टनर्स कैपिटल में जाता था, लेकिन अब कैपिटल में नहीं, क्योंकि कैपिटल में डालोगे तो कैपिटल क्या होगा, बदल जाएगा, और फिक्स कैपिटल में हम क्या चाहते हैं, हमारा कैपिटल ना बदले। तो क्या हम उसको भूल जाए, क्या छोड़ दे उसको? आप बताओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कोई भला छोड़ सकता है? क्या छोड़ दे उसे? आप बताओ क्या करे उसे, उसे फेंक दे क्या? नहीं सर, उसको कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से बनाया गया है करंट। अच्छा सर, अब समझ में आ रहा है मुझे, दो पार्टनर का होगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो उसे बांटते हैं।
तो अगर मैं यहां बांट दूं तो फिर बदल जाएगा ना जो यहां पे है, यहां अगर 5 लाख है तो बदल जाएगा माइनस माइनस होके, तो इसके लिए हमें यहां रखना पड़ेगा पार्टनर्स पी एंड एल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा 1% समझ में आ रहा है आपको कि हम पार्टनर्स कैपिटल का फिक्स का मतलब है हम अपने पार्टनर्स के अंदर बदलाव नहीं करना चाहते कैपिटल के अंदर, और बदलाव होने के कारण है रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब उसके रीजंस है। तो अगर उन सारी चीजों को हम इसी अकाउंट में अगर इनकॉर्पोरेट करते रहे जैसे कि पहले करते आए थे, तो इसका मतलब बैलेंस बदल जाएगा जिससे किसी पार्टनर का मोटिव अचीव नहीं होगा। तो इसलिए उन सारी बातों को कहाँ रखा जाता है, एक अलग से अकाउंट ओपन करके, जिसको क्या बोलते हैं पार्टनर्स, बताइए क्या बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब मुझे बताना ड्रॉइंग कहाँ आएगा। सर ड्रॉइंग यहाँ आएगा, यहां अगर ड्राइंग लिखा तो बदल जाएगा, बिल्कुल ड्राइंग, ड्राइंग बिल्कुल सही जवाब। और ड्राइंग ये क्या कर रहे हो सर, रुको रुको गलत कर रहे हो, नहीं मुझे पहले लिखने दो, मुझे लिखने दो, ड्राइंग ड्राइंग लिखने दो। सर ड्राइंग को दो दो जगह लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना एक जगह है लेकिन आ सकता है दोनों जगह। अच्छा सर, अब देखो ड्राइंग का मतलब क्या है बेसिकली। अब राम ने क्या करा, राम के माइंड में आइडिया आया, और राम के माइंड में आइडिया आया, टिक 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 सोच रहा है सोच रहा है। इसने सोचा मैं एक चाय की दुकान खोलता हूं, और मेरा चाय की दुकान मैं कैसे ओपन करूंगा, चाय की दुकान रहेगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा, हर ऑफिस वाला एप्लीकेशन से क्लिक करेगा, मेरे पास ऑर्डर आएगा, हमारा लड़का देने जाएगा, एकदम फुल्ली एसी वाला होगा जैसे कि सीसीडी है, उसी के तर्क पे इसने सोचा। अब इसने क्या करा, एक पार्टनर और ढूंढा, मोहन, मोहन को प्लान समझाया, मोहन भी बिल्कुल इसी के तरीके का है, मोहन भी बिल्कुल इसी के तरीके का है, और इन सब ने दुकान के अंदर 50 लाख इसने लगाए और 50 लाख इसने लगाए। अब ये राम बोलता है रिश्तेदार में कि मैंने चाय की दुकान खोली है 50 लाख रुपए में, और मोहन बोलता है मैंने भी चाय की दुकान खोली है, 50 लाख पूंजी लगाए घर वर बेच के, तो लोग बाग इस पे क्या करेंगे, पर्सन क्या करेंगे इस पे, इसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं ताली बजा के, या फिर बोलते हैं पागल हो गया कि चाय की दुकान 1 लाख में खोला है, 50 लाख में, 1 लाख ज्यादा कम बोला, 50 लाख में। ऐसी अवस्था में क्या होगा, राम और मोहन ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या रहेगा, ऐसे सिचुएशन में ये रहेगा कि भाई राम का 50 लाख, इसका 50 लाख। अब इसको थोड़ा गिल्टी फील होने लग गया, महसूस होने लग गया, राम सोचने लग गया यार कहीं ज्यादा तो नहीं लगा दिया मैंने पैसे। मोहन बोल रहा है हाँ यार ज्यादा लगा दिया, बोल रहा है एक काम करते हैं ज्यादा लगाए ना थोड़े थोड़े वापस कर लेते हैं। इसने कहा चलो भाई चलो, लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, इसमें से 49 लाख रुपए निकाल लिया जाए, इसमें से 49 लाख रुपए निकाल लिया जाए। अब बताओ राम ने जो 50 लाख लगाए थे और मोहन ने जो 50 लाख लगाए थे, इसमें से जो 49 लाख निकाल लिए, इसको क्या बोले, इसको बोलेंगे ड्रॉइंग, इसको बोलेंगे ड्रॉइंग। ओहो समझ में आया, ये माइंड में अभी रखना, एक और पॉइंट लेके आ रहा हूं आपके सामने, इतने मजेदार मजेदार आज आपके लिए पॉइंट लाया हूं कि बस मैं चाय पीते पीते आ गया, मुझे लगा आज बच्चों को सारे मजेदार पॉइंट करा दूं मैं। चलिए इसके बाद मान लेते हैं हमारा पार्टनरशिप का नाम क्या है, राम एंड मोहन, तो यानी मेरा जो पार्टनरशिप है फर्म वो आर और एम है, आर और एम है पार्टनरशिप फर्म। आर एम ने प्रॉफिट कमाए, नेट प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए। अब आर बोलता है भाई बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ है इस बार 2 लाख रुपए का, अब क्या करें इसको। आर बोलता है यार 2 लाख हुआ है, कम से कम 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए ले जाते हैं, थोड़े आज घर में मिठाई उठाई बांटेंगे।
आर ने इससे निकाले नेट प्रॉफिट में से 10,000 और इसने भी निकाले 10,000। अब ये प्रॉफिट कहाँ कमाया गया होगा? बिजनेस में। और बिजनेस में प्रॉफिट से जब इसने निकाल लिया तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे बच्चे ड्राइंग। ड्राइंग सर, ये बड़ी अजीब बात लग रही है। बिल्कुल, जब कभी भी कोई पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालेगा तो उसको ड्राइंग ही बोला जाएगा, और कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि बिजनेस से पैसे निकलेगा, क्योंकि कैपिटल अगर आपने लगा दिया और प्रॉफिट कमाया तो कैपिटल में जोड़ो। 11th में सीखा था नहीं सीखा था? सच बोलो, अभी झूठ मत बोलना। सीखा था या नहीं सीखा था? फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट कहां जुड़ रहा था? कैपिटल में। ठीक है, तो वो प्रॉफिट अगर पार्टनर नेट प्रॉफिट जो कैपिटल में जुड़ रहा था कहां से? टिक P&L, P&L से सीधा जुड़ रहा था, हमारा बैलेंस शीट इधर बनाते थे। अब वो क्या करे, यहां से बाहर से बाहर घर ले जाए, तो वो क्या बन जाएगा? उसके लिए ड्राइंग बन जाएगा। अच्छा सर, ये भी ड्राइंग और ये भी ड्राइंग, मुझे आपसे कुछ नहीं जानना, एक बात मुझे बता दो, क्या इस ड्राइंग में और ये जो 10,000 रुपए का ड्राइंग है कोई फर्क, कोई बदलाव? क्या दोनों सेम काइंड ऑफ का ड्राइंग है या अलग अलग है? जवाब आएगा, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तन्नू ने जवाब दिया कि नहीं सर, इसके ये जो है दोनों अलग अलग आएगा, अलग अलग है। अच्छा, अब मैं कुछ टेक्निकल वर्ड पे आ जाऊं। ये ड्राइंग है आउट ऑफ कैपिटल और ये ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ में आई बात? ये ड्राइंग है आउट ऑफ कैपिटल। ऐसे कैसे सर आउट ऑफ कैपिटल है ये? देखो, मोहन ने अपने कैपिटल लगाए थे 50 और राम ने 50 कैपिटल में से पैसे निकाले, तो दैट्स कॉल आउट ऑफ कैपिटल। और ये इसने प्रॉफिट में से निकाले तो आउट ऑफ प्रॉफिट। बस, क्या इतनी सी बात समझ में आई आपको कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है? ठीक है सर, यानी ड्राइंग दो तरीके के हो सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। कुछ बच्चे नोटिंग करते हैं मेरी सारी बातों को, बहुत अच्छी बात है, आप पॉज करके वीडियो को कर सकते हैं। अच्छा सर, अब उसने जो कैपिटल को 49 लाख रुपए, 49 लाख रुपीज जो विड्रॉन कर लिए थे ड्राइंग, क्या वो अपनी कैपिटल को कम कर रहा था या नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो वो वाला ड्राइंग यहां पे है, ये वाला ड्राइंग कौन सा है? आउट ऑफ कैपिटल। और ये वाला ड्राइंग कौन सा है हमारा? आउट ऑफ प्रॉफिट। समझे बच्चे आप? सर समस्या, अब तो और समस्या, हमें कैसे पता चले कि ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाला है, आउट ऑफ कैपिटल? हमेशा आपको ड्राइंग मानना है आउट ऑफ प्रॉफिट वाला। जब तक क्वेश्चन ना बोले कि उसने कैपिटल को रिडक्शन किया है या आउट ऑफ कैपिटल किया है, तब तक ये वाला नहीं मानना। MCQ का एक फेवरेट क्वेश्चन बन गया। जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होता है तो ऐसे कौन कौन से चांसेस हैं जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। मतलब सर, जब पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स है तो क्या पार्टनर का कैपिटल बदल सकता है? सिर्फ दो ही कारण है बच्चे, यही दो कारण है, जबकि फिक्स वाला भी अपने आप को बदल देता है। एक ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, देखो अगर यहां 50 लाख है और इसने ड्रॉइंग लिखा 49, तो कितना बचा? 49, तो कैपिटल तो बदल ही गया ना। दूसरा एडिशनल कैपिटल, दूसरी बातें और क्या हो सकती है? बाय साइड में, कैश में ही आएगा एडिशनल कैपिटल, अगर लगाया हो तो एडिशनल कैपिटल। और दुनिया की कोई ताकत, कृष्ण भगवान भी बोले कि मैं इसके अलावा चेंज कर दूंगा, तब भी मत मानना बच्चे। बस यही दो कारण हैं जब कैपिटल चेंज हो सकते हैं 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए कि आपका जब चेंज हो सकता है, किसी की बात आपको नहीं मानना है, बस यही बात है। ठीक है सर, यानी इसके अंदर सर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे? नहीं, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, समझ पा रहे हैं सर? अब तो हमें टनाटन समझ में आ रहा है, एकदम समझ में आ रहा है सर, इतना आसान टॉपिक। बिल्कुल, अब मैं आपसे पूछूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा? इसमें लिख सकते हैं क्या? नहीं, कैपिटल बदल जाएगा, तो कहां लिखना है? यहां लिखना है। और बताइए,
गुडविल रिटर्न ऑफ कहां लिखें? क्या यहां लिख सकते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ? लिखोगे बताओ, क्या बदलोगे कैपिटल को? नहीं सर, तो हम लिखेंगे कहां पे? करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा हमारा, ठीक है। अब मुझे बताना, एक आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस असेट्स में होता है, उसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। तो क्या कहां लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे इसके अंदर पार्टनर्स करंट। बस यही तो आपको समझाना था कि अब आप खुद डिसीजन लोगे क्वेश्चन में देख के कि किसको हमें करंट में ले जाना है और किसको फिक्स में। बच्चे ये हमेशा क्या रहता है? फिक्स ही रहता है, कभी भी फिक्स कैपिटल में सिर्फ यही चीजें आती है। और ये मान लो इसके चांसेस आने के 1% और एडिशनल कैपिटल के भी आने के 1% के आपको क्वेश्चन में देखने को मिले, बाकी सारा यही रहता है। अब फिर से क्या करेंगे? ओहो सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने सी वाले में तो लिखा ही नहीं। बस यही समझाना चाहता हूं, अगर पार्टनर्स कैपिटल 2 का बनाओ तो करंट हमेशा 3 का बनेगा। इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ना तो नए पार्टनर को कुछ मिलता है, नया पार्टनर बल्कि देता है पुराने को, तो नए पार्टनर को कुछ मिलना ही नहीं है, तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। तो क्या समझ में आई बात? जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो 2 पार्टनर है तो तीसरा आ गया तो 3 का बनेगा, लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ 2 का ही बनेगा। पेज में आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। चलिए इसके बाद बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी इधर आ गया। एक बात और बताओ मुझे, और ये बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी एक बात और बताओ, क्या अगर इधर बैलेंस सीडी आया तो कहां जाएगा? इधर बैलेंस सीडी आएगा, अगर इधर सीडी आता है तो ये पहुंच जाएगा हमारे एसेट में, और इधर आता है तो ये पहुंच जाएगा लाइबिलिटी में। समझ में आई बात आपको? सेम यहां पे आता है तो लाइबिलिटी में और इधर आता है तो एसेट्स में। चलिए मैंने कोशिश करी है कि आपको कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंशिएट और समझाने की बात। अगर डिफरेंट आ गया, डिफरेंट कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स, तो हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट टू ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट करंट अकाउंट विल बी फ्लक्चुएट, क्योंकि क्या होगा? चेंज होगा। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल विल बी चेंज इफ ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, और पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी चेंज इफ ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसी तरीके से छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। अब नोटिंग करिए इसको, ठीक है, नोटिंग करिए, फिर देखते हैं हम आगे। फटाफट नोटिंग करिए इसको, जल्दी जल्दी से करिए नोटिंग, एक इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाए। अभी इसमें थोड़ा सा और बाकी है पॉइंट, अभी मैं करवाऊंगा आपको, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्वेश्चन चलने दो, अभी मजा आ रहा है, ठीक है। जर्नल एंट्री भी करेंगे, एक बच्चा बोल रहा है सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, वो भी सिखाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे रिदम में मत बोला करो कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, बताऊंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो। चलो भाई, करा नोट? नोट करा? नहीं करा तो आपको तो पता ही है कैसे नोट करना है, पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो जी, मिटा दिया जाए। और सर फ्लक्चुएशन का कुछ नहीं बताया, अरे बच्चे फ्लक्चुएशन अभी तक करते आए थे, वो फ्लक्चुएशन है। अगर मैं इसी के नीचे रख दूं सिर्फ कैपिटल और सारे कैपिटल को बदलाव करूं तो वो फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन अभी तक जो करते आए थे, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61 जो भी करे थे आपने, सब में जो कैपिटल बना रहे थे तो फ्लक्चुएशन ही तो था, वही तो था वो। ओहो सर मिटा दिया आपने, हां जी हां जी। तो जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये साथ में डिस्प्ले हो रहा है आपके, और मैं इस क्वेश्चन को पूरा एक बार रीड कर लेता हूं। जो नई बुक है इस साल की, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 77 है, और आप अपने बुक में भी, जिसके पास ओल्ड बुक है वो ढूंढ सकता है, क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। क्वेश्चन में कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2020। तो बच्चे यहाँ पे मैंने एज एट नहीं लिखा है, वो लिख लेना आप।
एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, पुराने पार्टनर कितने हैं? दो, एक है एक्स एक है वाई, एक एक्स एक वाई, तो करंट अकाउंट में भी कौन होगा? एक्स और वाई, एक्स और वाई। नीचे कैपिटल है, करंट है, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि पार्टनर्स कैपिटल क्या है हमारा, फिक्स है, दोनों बैलेंस दे रखा है ना क्वेश्चन में। इसके बाद कहता है क्रेडिटर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सारी चीजें। जेड एडमिट एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, जेड न्यू पार्टनर आता है 1/4 के लिए, तो देखो एक्स वाई एंड जेड 1:1 इनका रेशियो है, ये 1/4 के लिए आता है। कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड नील। लो, फर्म की गुडविल ही नहीं है, टेंशन खत्म। तो क्या ये गुडविल लाएगा? सर नहीं लाएगा, ठीक है। इट फाउंड दैट क्रेडिटर इंक्लूड 7500 विच नॉट पेड, और पाया गया कि क्रेडिटर 7500 रुपए जिसको पेड नहीं करना, बट ऑल्सो फाइंड लाइबिलिटी कंपनसेशन अमाउंटिंग 10,000। तो पहले क्रेडिटर, दो एडजस्टमेंट है ये, तो पहले लिखते हैं हम क्रेडिटर, पुराना क्रेडिटर कितने का दिखा क्वेश्चन में आपको, पुराना क्रेडिटर है 130 का। क्वेश्चन ने कहा कि जो क्रेडिटर 130 का है उसमें 75 है ऐसे जिसको पेड नहीं करना, तो फायदा हो गया, पेड ही नहीं करना, लेस नॉट क्लेम। सेवेंटी फाइव हंड्रेड 122,500। अब बताओ फायदा हुआ नुकसान? सर फायदा हुआ तो कहाँ आएगा? बाय क्रेडिटर। इसके बाद विच वॉज नॉट टू बी पेड बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 10,000। लेकिन एक ऐसा वर्कर था जिसको 10,000 देना पड़ेगा। क्या वर्कमैन कंपनसेशन पहले कहीं बैलेंस शीट में नहीं है? अब देना पड़ेगा, न्यू आया है ये। एक बच्चे का सवाल आएगा, सर पहले से वर्कमैन कंपनसेशन अगर ना हो तो कैसे देंगे? तो बनाना पड़ेगा अब हमें। ये देखो वर्क मैन कंपनसेशन, और ये पेड किया है, क्या करा है? इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट अ लाइबिलिटी, पाया गया है, पेमेंट नहीं हुआ। अगर पेमेंट होता तो कैश अकाउंट में आ जाता वो, और 10,000 ये चूना लग गया हमें, 10,000 वर्कर को देना पड़ेगा, तो नुकसान है। तो टू वर्क मैन कंपनसेशन फंड कितने रुपए? 10,000 रुपए। थोड़ा शॉर्ट यूज कर रहा हूं, एग्जाम में बिल्कुल नहीं। कुछ बच्चे एग्जाम के सोच के बैठे, नहीं, एग्जाम में नहीं करना। ए एडजस्टमेंट कैपिटल लेके आया 1/25 का, मैं कर ही देता हूं साथ के साथ। तो यहां पे टू बैलेंस बीडी रख देते हैं, बैलेंस बीडी, और टू कैपिटल लेके आया, ए का क्या, जेड का कैपिटल लेके आया, जेड कैपिटल 125। डबल एंट्री कहां जाएगी बताओ? कैपिटल में जाएगी, करंट में, जब नया कैपिटल आया तो कैपिटल में ही तो जाएगी, बाय कैश के नाम से। अब कैश है, बैंक है, ये देख लेंगे, बस इंट्रोड्यूस लिखा है और बैंक बैलेंस दे रखा है, तो मेरी समझ से आप यहाँ पे बैंक यूज करिए, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि फर्म के पास कैश है ही नहीं। 125, 125 नया पार्टनर का नाम जेड, जेड ठीक है, पहला हो गया। सेकंड बी एडजस्टमेंट देखो, करना ही नहीं है, निल है तो भाई क्यों दिमाग लगाए। सी भी कर लिया। डी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट टू बी 10% ऑन डेटर। ओहो, डेटर 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 कितने का? 75,000, 75,000 लेस लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10%, यानी इट शुड बी 7,500। कंपेयर करो बेटे, कंपेयर करो बच्चे, आप यहां पे समझ रहे हो ना, आपको कंपेयर करना है। पहले 5,000 था, अब 7,500 माइनस हो रहा है, यानी नुकसान हुआ है ज्यादा, माइनस करके कितने का? 2,500 का।
तो टू साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500 रुपये, ठीक है, एक साथ माइनस करके लिख लेंगे वहां। इट्स रिगार्ड दैट पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स अकाउंट मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएशन अकाउंट मेथड। एक ये क्वेश्चन आया, देखो जो मैंने सिखाया वो तो था ही, लेकिन इस लाइन को समझेंगे और फिर करेंगे, ठीक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग। और इस लाइन को मैं बाद में करवाने वाला भी था, लेकिन मुझे इसी क्वेश्चन में मिल गया, तो मेरा एकदम मन खुश हो गया इस लाइन को देख के। हम पहले एफ देखते हैं। बिल्स 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्स जो था हमारा 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से जो एक्सेप्ट किया गया था कि हम आपको देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है। ओहो, तो नया बिल्स पेबल आ जाएगा। बिल्स पेबल पुराना कितने का था? पुराना था 50 का, नया और आ गया प्लस न्यू बिल्स पेबल, एड न्यू बीपी या बिल्स पेबल फाउंडेड लिख सकते हो आप, कितने का? 20,000 का, 20,000। अभी यहां पे ना दो अजम्पशन हो सकता है, मैं वो दोनों समझा देता हूं। देखो, या तो कहता है कि बिल्स एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या तो हो सकता है बिल्स पेबल जब मैंने एक्सेप्ट किया था तो क्रेडिटर में भी लिखना भूल गया और बिल्स पेबल भी लिखना भूल गया, ये दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैं क्रेडिटर में लिखना भूला तो क्रेडिटर को भी माइनस करिए और इसको प्लस करिए, नो एंट्री, इसका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्रेडिटर में तो कर दिया होगा लेकिन बिल्स पेबल में सिर्फ लिखना भूले, हो सकता है ना ये बात। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही पॉइंट भूले हैं, तो लॉस, और इस लॉस को दिखाएंगे इसमें। तो यहां पे क्वेश्चन में कहता है बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो मेरा अजम्पशन ये है, क्वेश्चन को देख के मैं ये मान के चल रहा हूं, नीचे मैं नोट भी लिखूंगा, आप लिखना नोट, के क्रेडिटर में से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, सिर्फ बिल्स पेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंडिंग है। तो हमने क्या करा, बिल्स पेबल में 50-70 कर दिया, और इसको मैं नुकसान में काउंट कर लेता हूँ। टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने का है? बिल्स पेबल है हमारा 20,000, ठीक है। अगला, आप प्रोवाइड 50,000 लोन, बिजनेस कैरी है इंटरेस्ट 10%। हमने क्या करा, एक्स ने प्रोवाइड किया है 50,000 लोन टू बिजनेस, कैरी इंटरेस्ट 10% पर एनम। एक्स बोलता है कि मैं लोन दूंगा, तो यहां पे मैं लिख दूं एक्स का लोन, एक्स 10% लोन लिख दूं क्या? अभी ताजा ताजा तो इसने लोन दिया है 50,000 का, क्या इसके ऊपर ब्याज देना चाहिए? अभी लोन दिया है, अभी ब्याज ले लेगा? नहीं, ये लेगा कब? साल के एंड में। तो ब्याज इस 10% का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन इसने दिया होगा चेक से, तो बैंक में आ जाएगा टू टू एक्स लोन। एक्स लोन कितने रुपए का? 50,000 दिया है ना इसने, तो यहाँ आ गया। क्या ये नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ गई? तो देखो, लाइबिलिटी के साथ साथ हमारा एसेट्स भी तो बढ़ा है, ये जुड़ के वापस एसेट्स में जाएगा, जाएगा ना, तो नुकसान तो है ही नहीं, एसेट्स भी बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गया, बात बराबर। यू आर रिक्वायर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट एंड एक्सेट्रा बनाना है आपको, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो वही बनाने जा रहे हैं, मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखा था। चलिए हम अब आगे देखते हैं, जो एडजस्टमेंट नंबर ई है, जिसके मैं ठीक है जी, अब उस एडजस्टमेंट को करते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर दूसरे वाले मेथड से जो बिल्स पेबल करवाना चाहते थे आप, एक बार वो करवा के दिखाओ। चलो मैं एक काम करता हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं वही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको रेड मार्कर से कर देते हैं, ठीक है। आप हमेशा एक फिक्स कर लो कि जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आए ऐसे करेंगे, टेंशन खत्म, टेंशन ही खत्म कर दी ये लो आपकी। ओके सर, बिल्स पेबल कितने का था? बिल्स पेबल हमारा बताइए जल्दी से जल्दी, बिल्स पेबल कितने का था जी, कितने का था जी? 50 था, 50,000। और हम एक काम करते हैं, क्योंकि बिल्स पेबल में क्रेडिटर से एक्सेप्टेड था, तो यहां पे बीपी के नाम से माइनस करते हैं, कितने रुपए?
20,000 ये हो गया, और यहां प्लस कर देते हैं क्रेडिटर के नाम से 20,000। अब एक बच्चे क्वेश्चन है ऐसा क्यों, अब बीआर वाला कॉन्सेप्ट करवाया था बिल ऑफ एक्सचेंज के, डेटर में से ही निकल के बनता है बीआर, सेम ऐसे क्रेडिटर से होता है, जब कभी हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर, और उसको लिख के दे दे के भाई तुम्हें बाद में पैसे मिलेगा तो बीपी। तो सिंपल सी बात है, हमारा क्रेडिटर क्या हो गया, कम हो गया, क्रेडिटर क्या हुआ हमारा कम, और बिल्स पेबल क्या हुआ हमारा बढ़ गया, तो क्रेडिटर कम बिल्स पेबल बढ़ गया, फायदा नुकसान बताओ जल्दी, यहां लाइबिलिटी में फायदा और यहां नुकसान तो बराबर हो गया ना निल, तो उस केस में यहां से हटा देंगे। ठीक है, अब ठीक है ऐसे ही करना, और जो पहले वाला कर रहे थे उसके अंदर अजम्पशन देना पड़ता है, यहां पे अजम्पशन नहीं लिया हमने कुछ भी, चलो ठीक है अब ऐसे ही करना आप भी, ठीक है ना। चलिए ई एडजस्टमेंट करेंगे हम, ई करने से पहले हम पूरा टोटलिंग कर ले, क्योंकि ई एडजस्टमेंट इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें टोटल की आवश्यकता होगी, और टोटलिंग मेरा कैलकुलेटर महाशय टोटल करके बताओ, सभी बच्चे इसका आंसर जानना चाहते हैं, जल्दी जल्दी टोटल करो। ओके 12,500 बाय लॉस, लॉस अब ये कहां ट्रांसफर होगा पता है, ट्रांसफर करंट अकाउंट कैपिटल नॉट एक्स एंड वाई, 12,500 माइनस 7,500 5,000 रेशो 1:1 तो 2,500 इसके हिस्से में, ओल्ड में ही तो बटेगा ना, 2,500 इसके हिस्से में कहां जाएगा करंट में, टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन लॉस। ओहो सर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, हाँ बच्चे मेरे दिमाग से निकल गया, बैलेंस शीट के आइटम को ट्रांसफर तो किया ही नहीं, उसकी चिंता मत करो वो तो ठीक है। चलो कैपिटल एक्स एंड वाई का तो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, एक्स का कैपिटल 150 और वाई का कैपिटल 1,00,000, करंट अकाउंट एक्स वाई का 40 और 30 बाय बैलेंस बीडी 40, और यही चीज अगर हमें एसेट्स में गिवन हो तो यहां लिखते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है चलिए, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग 150, लैंड एंड बिल्डिंग 150, प्लांट एंड मशीनरी, देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन करंट अकाउंट की वजह से बच्चे डर के बैठ जाते, अरे करंट वाला क्वेश्चन आया है करना ही नहीं है वो। फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं दिया इसने, फर्नीचर 2,500, स्टॉक 7,500, क्या बताऊं इस क्वेश्चन को करने में, बिल्स रिसीवेबल बीआर, बीआर 30,000, बीआर के बाद बैंक 50,000, बीआर के बाद बैंक 50,000, ठीक है यहां बैंक का बैलेंस लिख देंगे टोटल करके, ठीक है, और इसके बाद खत्म एसेट्स, अब तो टोटलिंग करना है, चलो टोटलिंग करते हैं, बैंक का भी 50,125 एंड 50,225,225,000, 225,000, 225,000 बाय बैलेंस सीडी 225,000 रुपए, ठीक है ना, यहां तक तो आता ही आपको 225,000, और यहां पे लिख दिया इसको 225,000। मान लो ई एडजस्टमेंट है ही नहीं, अभी मान लो मैं दोनों कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा और होमवर्क में दूंगा और आप करके दिखाओगे, मान लो एक पल के लिए,
मानना पड़ेगा बच्चे, कुछ बोल रहा है, क्यों माने, मानना पड़ेगा अभी थोड़ी देर के लिए। अगर हमारा ई एडजस्टमेंट नहीं होता तो क्वेश्चन हमारा यही चलता, यहां से बैलेंस सीडी निकलता और यहां पहुंच जाता कैपिटल का, और यहां से बैलेंस सीडी निकलता और यहां पहुंच जाता करंट का, अगर ई नहीं होता। अब ई ने थोड़ी सी समस्या खड़ी कर दी है। ई समस्या खड़ी करता है, क्या समस्या करता है? पहले एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, 2010 में मान लेते हैं 5 लाख कैपिटल, 2011 में फिर से 5 लाख, 2012 में फिर से 5 लाख, इनकी कैपिटल क्या है आप बताइए, फिक्स या फ्लक्चुएशन? जवाब है सर, इनकी कैपिटल फिक्स है। अब 2012 में डिसाइड करते हैं ये कि यार फिक्स विक्स का चक्कर खत्म करो, दो दो अकाउंट बनाना पड़ रहा है, अब हम नॉर्मल करेंगे काम, नॉर्मल वर्क करेंगे। यहां पे इसने बोला अब कौन सा काम करेंगे, नॉर्मल, यानी अब फिक्स कैपिटल नहीं रखना चाहता। तो इसका मतलब 2012 के बाद क्या ये दो अकाउंट बनाने के इच्छुक है, जो भी पार्टनर है हमारा, ये हमारा चतुर सिंह, क्या ये 2012 के बाद ये दोनों अकाउंट बनाना चाहता है? जवाब है नहीं। क्या 2010 में बनाना चाहता था? हाँ, तो इसलिए तो दो अकाउंट बने और दोनों के 2010 में अलग-अलग बैलेंस गए होंगे। क्या 2011 में चाहता था? जवाब है हाँ सर, 2011 में भी चाहता था, इसलिए तो दो अकाउंट बने, एक ये और ये, इसका बैलेंस अलग-अलग गया होगा। क्या 2012 में ऐसा चाहता है? चाहता है नहीं है, तो दो अकाउंट बन तो गए, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको हमें डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा, अब यहां से एक ही बैलेंस जाएगा। तो वही कहता है, क्या कहता है देखते हैं, इन रिगार्ड्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज टू बी, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट चला आ रहा था, कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, उसको बदल दिया जाए, आज के बाद फिक्स कैपिटल मत रखो, उसको बदल के क्या कर दो उसको बदल के फ्लक्चुएशन कर दो। अच्छा, ये बात कहना चाहता है, हाँ जी, तो उसका क्या तरीका है सर, उसको सिखाओ ना। उसका तरीका है, इसके बैलेंस को यहां मर्ज करेंगे ले जाके, इसके बैलेंस को यहां मर्ज करेंगे, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो इसके बैलेंस को यहां लिखते, इसके बैलेंस को यहां लिखते, टोटल करते, आंसर डन, और कुछ नहीं करना था। लेकिन क्योंकि इसने बोला कन्वर्ट करना है हमें फिक्स को फ्लक्चुएशन में, तो ऐसी अवस्था में क्या करना होगा कि इसके बैलेंस को यहां ट्रांसफर करेंगे, फिर इन दोनों का टोटल करके यहां करेंगे। अब बैलेंस शीट में क्या आएगा पता है? बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल एक्स वाई और जेड का। थोड़ा सा गला खराब हो गया मेरा, चलिए 40,000 और तो कुछ है नहीं। ओहो, ये 30 है, अब बताइए बैलेंस कहां जाएगा? अगर ये लाइन नहीं होता, अगर एडजस्टमेंट नंबर एफ नहीं होता तो ये जाता बैलेंस शीट में, तो बैलेंस सीडी लिखते हैं, क्योंकि ये यहां जाएगा तो इसके अकाउंट का नाम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, कितने रुपए आएंगे, 37,500, यहां क्या आएगा, 27,500 यही आएगा ना। अब ये इधर आ जाएगा, इधर है तो इधर पहुंचेगा, ये बोलेगा कहां से आया, पार्टनर्स करंट 37,500, कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देख के तो आप बोल रहे हो सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत कराए करो, हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो आप, सिर्फ बच्चे बस कराना पड़ता है, कराना पड़ता है मुझे, क्या करें। 150, 37,500, 27,500, ये 2,15,000, 1,27,500, 1,25,000, अब ये बैलेंस तो खत्म नहीं कर रहा, कर सकते हैं क्या सर? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, बिना कैपिटल के बिजनेस कैसे चलेगा, कैपिटल तो ठीक ही रहना चाहिए।
बिल्कुल सही जवाब। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 127 125, 2,15,000, 1,27 और 1,25। चलिए 1,27 500 है ना शायद। बिल्कुल, अभी देखो गलत हो जाता है, 1,27 500। पाँच सौ 1,25,000, ये आ गया 4,67,500, 4,67,500। चलिए यहाँ करिए 31 माइनस 20 माइनस 7,500, 125,000, 1,05,000, और ये 70,000। चलिए 4,67,500, 4,67,500 प्लस 50,000 प्लस 10,000 12,025 और प्लस 70,000, 7,00,000 रुपए। यहाँ टोटल करते हैं 75,000 माइनस 7,500, 67,500 प्लस 150, 10,000, 2,500, 7,500, 30,000। मुझे लग रही है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये 75 है, 750 है टोटल। ओहो, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 नहीं है, 1,00,000 है। फर्स्ट मिस्टेक। एंड 2,500 नहीं है, 25,000 है, सेकंड मिस्टेक। ठीक है चलो, पांच और कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। बिल्स रिसीवेबल 30 ठीक है, 50 ठीक है। चलिए दोबारा टोटल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 150, 1,00,000, 25,000, 75,000 तो नहीं है ये, बिल्कुल स्टॉक 75,000 है। एक एक जीरो कम लग गया, बताओ आप सब ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी। और ये हमारा आएगा 75 माइनस 7,00,000, 27,500, 27,500, 27,500, 27,500। अच्छा देखो यहाँ गड़बड़ी करवा दिया आपने टोटलिंग में, हो जाता है टोटलिंग में कई बार ना। 37,500, 187 आएगा, 187,500, 187,500, 187,500, 187,500, यहाँ भी आएगा 187। लो जी टोटल गलत, 127,500। पहले मैं कर रहा था इसे 4,40, 4,40 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस, अब आप मुझे रोको मत, 4,67, 4 सॉरी 6,72,500, 6,72,500। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है चलिए अब एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। फिक्स और फ्लक्चुएशन, फिक्स में क्या था हमारा, कैपिटल अलग होगा, करंट अलग होगा। अगर इसे कन्वर्ट की बात नहीं होगी तो इसका सीडी अपना, इसका सीडी अपना, इसका सीडी यहां जाएगा और इसका सीडी भी यहां जाएगा। वो कन्वर्जन का केस नहीं है। कन्वर्जन हुआ
तो इसमें से जो बैलेंस निकलेगा उसे पहले डालेंगे कैपिटल में, फिर कैपिटल का बैलेंस उठा के हमें यहाँ डालना होगा। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, और इसका नेचर नॉमिनल होता है। समझ में आई बात आपको? अब फटाफट नोट करिए, जो भी क्वेश्चन है डिस्प्ले तो मैंने स्टार्टिंग में किया था, अब नोट करिए जल्दी जल्दी, फिर अगली क्लास के लिए मैं अगर होमवर्क दूँ तो होमवर्क मैं आप सभी को अगर देना चाहूँ, क्योंकि बुक तो देखो हर बच्चे के पास अलग है, तो ऐसे होमवर्क दिया नहीं जा सकता। जितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं उनके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा बुक के अकॉर्डिंग, और वॉइस मैसेज भेज दूंगा मैं, और जो आउट ऑफ दिल्ली से देख रहे हैं उनको भी भेज दिया जाएगा, उनको PDF सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? ओके ओके सर, चलिए अब नोट करिए इसको, ठीक है? नोट करिए। कर लिया नोट? हाँ जी सर, कर लिया। ओके बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। मन लगा के पढ़िएगा, होमवर्क बस आपके पास आने ही वाला है, बस आने वाला है।